अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। आज सुबह ही सुबह एक बहुत ही अच्छी और काम की बात सुन रही थी, सोचा आप लोगों से भी ज़रूर शेयर करूंगी। उस वीडियो क्लिप में वो ये बता रहे थे कि अल्लाह ताला पे भरोसा असल में है क्या। जब हम अल्लाह पर भरोसा करते हैं, यानी कि सही मायनों में भरोसा, सिर्फ ज़बानी कलामी नहीं बल्कि हमें पूरा यकीन होता है, इत्मीनान होता है कि अल्लाह है और अल्लाह हमारी परेशानी को दूर कर रहा है, हमारे मसले पे काम कर रहा है और हमारी ज़िंदगी को बेहतर बना रहा है, तो फिर हम उस परेशानी के दौरान परेशान नहीं होते हैं, ख़ुद को हलकान नहीं करते हैं, सोच सोच कर निढाल नहीं होते हैं और सिर्फ़ वो काम करते हैं जो हमारे बस में है, अच्छे से काम करते हैं, खुश रहते हैं, मज़बूत रखते हैं अपने आप को और ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। आप यकीन जानें, जब हमें वाकई किसी पर भरोसा होता है, चाहे हम इंसानों को ही ले लें जिन पर हम पूरा भरोसा रखते हैं, एतमाद रखते हैं, फिर हम उस मामले में, उस काम में बिल्कुल भी फ़िक्रमंद नहीं होते हैं, बिल्कुल भी परेशान नहीं होते हैं, ख़ुद को बड़े सुकून में रखते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अल्लाह ताला पर भरोसा करना है। हम मुंह से तो कहते हैं और कहना बहुत आसान है कि नहीं नहीं हमें बस अल्लाह पर भरोसा है, लेकिन करना मुश्किल है। हमें करना आना चाहिए और सही मायनों में वही करता है जो मुश्किल हालात से गुज़र भी रहा होता है, जो परेशानी से गुज़र भी रहा होता है, बुरा वक्त अपनी लाइफ में देख रहा होता है, लेकिन फिर भी ख़ुद को खुश रखता है, मज़बूत रखता है और ज़िंदगी को इंजॉय करता है और जो सही काम करने के हैं वो करता चला जाता है। और आप यकीन रखें, आपका परेशानी में ना परेशान होना और खुश रहना आपके शैतान को इतना कमज़ोर करता है और उसको ये बात इतनी नागवार गुज़रती है कि वो आपके अंदर वसवसों की जो तादाद है ना, वो बढ़ाना शुरू कर देता है। कान के करीब बैठकर आपको बोलेगा, कहाँ तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर हो रही है, देखो हालात बदल ही नहीं रहे हैं, तुम क्या भरोसा कर रहे हो अल्लाह पर, देखो दूसरों को, वो तो अल्लाह का जिक्र भी नहीं करते, अल्लाह पे भरोसा भी नहीं करते, फिर भी उनकी ज़िंदगी कितनी अच्छी है। तरह तरह की सोच आपको देगा, आपको भड़काएगा, डिट्रैक्ट करेगा कि आप अल्लाह पे भरोसा ना करें और परेशानी में परेशान हो जाएं। तो ये आपने नहीं करना है। अगर वाकई आप अल्लाह पे भरोसा रखते हैं तो बस लाइफ में चिल करें, इंजॉय करें और उस पर छोड़ दें, वो काम कर रहा है ना। यूर इन सेफ हैंड्स। आ जाते हैं हमारे आज के शो पर। आज की जो हमारी गेस्ट हैं, ये पहले कई मरतबा आ चुकी हैं। इनफैक्ट हम टीवी पर लॉन्ग टाइम जब हमारा मॉर्निंग शो चलता था तो उसमें कुकिंग कंपटीशन में इन्होंने विन भी किया था और उसके बाद से इनका जो सिलसिला है वो अब तक जारी है। अब करंटली ये क्या कर रही हैं, बहुत सारा काम कर रही हैं कुकिंग फील्ड में और ये अकेली नहीं आई हैं, आज अपने बेटे के साथ आई हैं, आरिब के साथ। और आज कुकिंग सिर्फ वो नहीं करेंगी बल्कि इनका बेटा भी करेगा। और जब आप बेटे का साइज़ देखेंगे ना तो कहेंगे कि ये कैसे कुकिंग करेगा। आपको दिखाते हैं, सारी कटिंग शटिंग उन्हीं से ही हम करवाएंगे, तो डरिएगा नहीं। अगर बेटे के हाथ में छुरी वुरी आप देखें तो परेशान ना होइएगा, वो प्रॉपर ट्रेंड बच्चा है। आइए जी, वेलकम करते हैं फातिमा को आरिफ के साथ। आ जाए आरिफ भाभी। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अब आप शो पर आ गए हैं, सब आपको देख रहे हैं, ठीक है? अब वो सुबह का टाइम नहीं है कि जो मर्जी आए कर रहे। बैठो फातिमा, क्या हाल है, क्या चल रहा है आजकल, ये बताइए। मैं बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने दोबारा बुलाया। हाँ। और इतनी इतना कुछ कर रही है कि बुलाना पड़ा कि ज़रा पूछे तो ना। वो हम टीवी के कुकिंग कॉम्पिटिशन से आपका मेरे ख्याल से शुरू हुई थी। ये बात है मार्च 2017, बहुत टाइम हो गया। तो अब क्या क्या कर रही हो आजकल फातिमा, ये बताओ। अच्छा, आजकल एक्चुअली वैसे तो आपको पता है कि कोविड के बाद तो ज़िंदगी बदल गई है। हाँ। तो उसके बाद हमारा भी जो है ना ज़िंदगी गुजारने का तरीका। हाँ। और सोच बदल गई है। हाँ। तो मैंने कोविड के दौरान बहुत सारी चीज़ों पे काम किया, जिसमें अच्छा। एक चीज़ थी कि बच्चों की डाइट। अच्छा। और बच्चों को कैसे हम बिजी रखें, क्योंकि जब कोविड के टाइम पे बच्चे घर में थे ना। हाँ। और जिस तरह वो माँ को तंग करते। हाँ। थे स्कूल और बंद स्कूल बंद और
तो उस वक्त ये सबसे छोटा था। अच्छा, अभी ये माशाल्लाह लास्ट मंथ 7 साल का हुआ है, तो अच्छा तकरीबन 3 साल हो गए कोविड को, तो उस वक्त और भी छोटा था। तो इसको कुकिंग में साथ साथ रखा हुआ? हाँ, तो ये खुद मेरे साथ, क्योंकि मुझे हाँ। कुकिंग का शौक है, तो जब मैं घर पे कुकिंग कर रही होती थी हाँ। ज्यादातर टाइम हम घर पर ही होते थे। अभी आपने कुकिंग करनी है, ये बड़े मजे से छुड़ियाँ उठा रहा है, ये कैमरा है। अरे आपने डिसाइड कर लिया कि आपने कौन सी नाइफ लेनी है और कटिंग करनी है? ये तो छोटी नाइफ बड़ी नाइफ सब है ना, इंटरेस्टेड था। जैसे ही हम आए तो इसे सबसे पहले अपने काम की चीजें हाँ। देखी कि कटिंग बोर्ड है या नहीं है, नाइफ हाँ। कौन कौन सी है, कितनी तेज है, सारी चीजें चेक करनी। मुझे ये बताएं, आपका यूट्यूब चैनल अब आप चला रही हो? जी, आपने जी, खोला है जी। उसमें वीडियोस वगैरह कर रही हो अपना? हाँ जी, वो भी ज्यादातर इसी के साथ होती है, मैं बना रही होती हूँ। और किस नाम से है? मेरे अपने नाम से फातिमा शिराज, क्योंकि वो सिर्फ कुकिंग का नहीं है एक्चुअली, वो लाइफ स्टाइल। अच्छा ठीक है। कपड़े, ज्वेलरी, शॉपिंग, बच्चों की सेल्फ ग्रूमिंग, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग, कहीं जाना, ट्रैवलिंग, अच्छा ये सारा ब्लॉगिंग। अच्छा, और दूसरा ये कि आप सीईओ भी हैं एसएमके डिजिटल, ये क्या चीज़ है? एसएमके डिजिटल कॉन्सेप्ट्स, ये एक पीआर मार्केटिंग कंपनी है जिसे मैं अपने भांजे के साथ मिलके रन करती हूँ। अच्छा। हमारे साथ काफ़ी ब्रांड्स जो है हमारे साथ एसोसिएटेड हैं जिनकी हम ब्रांडिंग करते हैं और उनके प्रोजेक्ट्स हम सारे कर रहे होते हैं, शूट्स करना, उनको एडिट करना। उसमें भी बिजी हो अपना? यस ठीक है, ये भी है। अच्छा, और आरिफ की खास बात ये है कि यू आर अ जीनियस, है ना, बड़ा जीनियस माइंड है। मैथ्स का कोई भी सवाल हो ये सॉल्व कर देंगे, इनफैक्ट इन्होंने पूरे स्कूल में अपने टॉप किया। जी जी जी। तो अगर आज आप कॉल करना चाहते हैं और कोई सवाल, कोई कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो आप दीजिए इनको, जीनियस को, लिटिल जीनियस, तो ये आपको सॉल्व कर देंगे। तो आज हम क्या सीख रहे हैं बनाना? आज मैं और आरिफ मिलके क्या बना रहे हैं? आरिफ, हम बना रहे हैं हाँ। फिश लाहौरी टिक्का। अच्छा, क्योंकि वो आरिफ की फेवरेट डिश है, मतलब फेवरेट अच्छा। में से, क्योंकि उनकी एक कोई एक फेवरेट डिश नहीं है, ये हाँ। बहुत शौकीन है खाने की। अच्छा, जब ये बनाते भी है मेरे साथ, मतलब हाँ। ये हेल्प बहुत करता है मेरी थ्रू आउट। तो ये कुकिंग नहीं कर सकता, बट क्योंकि ये बहुत रोटियां बेलता है मेरे साथ, मैं रोटी बना रही होंगी तो रोटियां बेलेगा, कटिंग करेगा, सैलेड ये बनाता है पूरा, कटिंग बोर्ड लेके बैठ जाएगा बस के भिंडी। कभी हाथ वाथ तो नहीं कटा इसका? आज तक नहीं कटा, आज तक नहीं कटा। क्या बात है, ये देखो ब्रेन का सही इस्तेमाल कर रहा है। और इवन अभी हम आते आते हाँ। क्योंकि मेरा किचन गार्डन है, नीचे पालक लगी हुई थी, तो मैंने कहा वो हमने बनाना है पकौड़ों का हाँ। सालन हाँ। तो उसके लिए पालक चाहिए थी, तो मैंने कहा यार मैं खुद लेके चली जाती हूँ अपने गार्डन, तो इसने मेरे साथ बैठ के जल्दी से जल्दी तोड़ा। और वो क्योंकि ये भी एक इन्वॉल्वमेंट होती है बच्चों की, क्या है ये उसे बच्चों को पता, बजाय बता के आप प्रैक्टिकली जब उनसे कुछ करवाते हैं या उनके सामने करते हैं तो वो ज़्यादा सीखते हैं और वो ज़्यादा उनके दिमाग में भी बैठता है। तो आज हम लाहौरी फिश खाएंगे और पकौड़े हैं। देखिए रमजान आ रहे हाँ, पकौड़े हर घर में बनते हैं, फिर वो बच भी जाते हैं लोग, क्योंकि बड़ा एक्साइटेड होकर अम्माएं बना लेती हैं भर भर हाँ। के पकौड़े, वो नहीं खाए जाते, तो हम फिर उसका झटपट से सालन बना लेंगे। अच्छा आइडिया है, तो ये रिसाइकलिंग भी हो गई, एक बची हुई चीज को हमने दोबारा से रीयूज कर लिया और वैसे भी एक नई डिश हो जाती है कि पकौड़ों का सालन। ठीक है, और उसके साथ हम बनाएंगे गुआवा स्लश। ठीक है, गुआवा पकौड़ों का सालन वैसा लग रहा है जैसे मंगोचियों का सालन। ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो मंगोचियां दरअसल लोगों को थोड़ा मुश्किल यूँ लगता है कि उसमें आप दाल भी होते हैं पीसते, तो मैं जरा क्विक, क्योंकि अपने बच्चों को भी, जो छोटे बच्चे हैं उनको बिठा लीजिए अपने साथ, ताकि वो भी देखें, फैसिनेट हों और थोड़ी से इंस्पायर हों, तो उनमें भी कुछ शौक हो करने का और किस तरह से हैंडल किया जाता है बच्चों को, ये भी हम आज आपको बताएंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, स्टे विद अस। अजय जी, वेलकम बैक। आज फातिमा हैं किचन में और उनके छोटे बेटे जो 7 साल के हैं, आरिफ 7। यस, यू आर 7। तो हम शुरुआत करते हैं अपने, किससे कर रहे हो, फिश से? हाँ, मैंने कहा पहले हम फिश को मैरिनेट करके रखते हैं थोड़ी देर, जब तक फिर हम सालन बनाएंगे और फिर उसे फ्राई कर लेंगे। कर लेते हैं, बोल नीचे रखा हुआ हाँ, सारी चीज़ें हैं हाँ। हम बिल्कुल देख लेते हैं, मेरे ख्याल से ये बहुत होगा, ये हाँ ये कर लेते हैं। अच्छा, और मछली जो है वो बोन के साथ और स्किन वाली जो है खाल के साथ, ताकि वो क्रिस्पी अच्छा, ये बने। मीठे पानी की है और मैं इसका नाम भूल गई हूँ, सॉरी सुरमई नहीं, कौन सी होती है मीठे पानी की? राखी, सॉरी, ये मैंने हैदराबाद से एक्चुअली मंगवाई है, मेरे हस्बैंड हैदराबाद में थे तो मैंने उनसे स्पेशली मंगवाई है, ये मीठे पानी की। अच्छा, तो ये फ्राइड ज्यादा अच्छी लगती है हाँ। और जो है इसमें थोड़ा सा एक वो है कि इसमें
कांटे थोड़े होते हैं ज्यादा, मगर ये कि खाने में बहुत मजे की। हम मैरिनेशन शुरू करते हैं। यस, इसकी बड़ी झटपट सी मैरिनेशन मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। देखिए वैसे तो हम इसमें शान का मसाला डालेंगे। सही है जी, आज चलें जी मुझे दिखाएं। हाँ, आज हमारे पास ये लाहौरी फिश शान का ख़ास ये मसाला है। आपको पता है कि शान के मसाले जो हैं वर्ल्ड वाइड फेमस हैं, हर किचन की जान है। कुछ भी बनाना हो, रिवायती हो, खाने हो, झटपट हो, ज़िंदगी आसान करनी हो, तो शान के मसाले आप लोग लेके रख लीजिए। उसमें वही देगी जायका, वो शादी ब्याह के खानों का जायका, वो रिवायती नानी दादी के हाथों का जायका अपने खानों में लाना है, तो शान के मसाले इस्तेमाल कीजिए। और हर जगह दस्तयाब हैं, ऑब्वियसली कोई मुश्किल ही नहीं है। अब तो मेरे ख्याल से लोगों को आदत हो गई है शान के मसाले इस्तेमाल करने की, वो फ्लेवर जो ये देता है अपने खानों में लाजवाब। अच्छा, जो बिगनर्स हैं ना, जिनको अभी कुकिंग करना, जिन्होंने सीखना है या जो सीख रहे हैं, जो बनाना चाह रहे हैं, जो न्यूली मैरिड हैं, जिनको इवन मैंने तो ये देखा है कि मर्द हजरात साथ साथ काम करते हैं, तो एक घंटा ऐसे गुजरेगा नहीं, नहीं हो जाएगा हमारे पास। तो ये वाकई शान ने ना मसले हल कर दिए। तो ये बहुत क्विक है, बहुत आसान। बस अच्छा जी, हमने जल्दी से इसमें 3 टेबल स्पून जो है हमने लाहौरी फिश टिक्का मसाला लिया है, इसमें ऑलमोस्ट यही सारी चीजें हैं बेसिक, लेकिन मैं इसमें मजीद डालूंगी 1 चम्मच और बेसन। अच्छा ठीक है, और फटाफट सा, और ये है कॉर्नफ्लावर, ये भी 1 चम्मच आप डाल लें, ये और थोड़ा सा क्रिस्प बनाएगा जी। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये जो फिश लाहौरी ये जो मसाला है ना, ये अगर आप डायरेक्ट लगाते हैं, सिर्फ ऐसे आपने लगा के फ्राई किया, तो ये उतर जाता है, उतर जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है मतलब ये बाइंडिंग के लिए ना, समझे कि मैंने कॉर्नफ्लावर और बेसन थोड़ा सा ज्यादा, हालांकि इसमें बेसन मौजूद होता है इस मसाले। हाँ, सारी चीजें मौजूद है, आपको कोई भी अलग से मसाला वैसे डालने की जरूरत नहीं। थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें हल्दी। हल्दी की क्या वजह है कि हल्दी का अपना टेस्ट थोड़ा सा तेज होता है, ठीक है। तो अगर आपको ये है कि फिश की स्मेल बिल्कुल ना आए, हाँ। जो कि मतलब अमूमन जैसे आ रही होती फ्राइंग के दौरान भी या तेल खराब ना हो, हाँ, ठीक है। तो हल्दी अगर आप डाल देते हैं तो वो स्मेल नहीं आती। और मैंने ये फिश जो है सिरके में धोई है, अच्छा, तो वैसी ही स्मेल चली जाती है, ठीक है। अच्छा जी, ये है अजवाइन। अच्छा ठीक है, अजवाइन भी बिल्कुल थोड़े से चंद दाने, समझे पिंच, ठीक है। ये जो है एक बहुत ही तेज फ्लेवर होता है, मछली में डालते हैं खास डाइजेस्ट करने के लिए, और इसका एक अच्छा सा अरोमा, एक ज्यादा नहीं करना है, बिल्कुल चुटकी, कड़वा भी हो जाता है, कड़वा हो जाता है अगर डालेंगे। अच्छा जी, और ये है सूखी मेथी, ये भी हम थोड़ी सी इसमें डालेंगे, ऐड करेंगे, ये भी हाथ से बस आपने थोड़ी सी डाल देनी है। और फटाफट सा ये है लहसुन अदरक का पेस्ट, ये बिल्कुल फ्रेश आपने बना के डालना है। अच्छा, जब मैं जल्दी में होती हूँ तो मैं तो क्या करती हूँ, लहसुन बस चॉप किया जल्दी जल्दी, बस डाल दिया, फ्रेश। अच्छा ये हमने किया, और सिरका मुझे नजर नहीं आ रहा, उधर देखें अगर सिरका आपको दिख रहा है तो, सिरका यहाँ नहीं है, जाओ लेकर आओ, ये रहा, ये रहा है, देखें जरा। अच्छा, वो पानी जैसा होता है ना, तो मैं अभी आरिफ को भेजती आरिफ है सिरका है, तो सिरका जो है हम इसमें 1 चम्मच तकरीबन सिरका डालेंगे, और अच्छा थिक सा पेस्ट बना लेंगे बस। अब हम इसमें पानी नहीं डाल रहे, हम इसमें फिश डालेंगे, क्योंकि फिश खुद पानी थोड़ा सा छोड़ती है, तो हमें जरूरत नहीं है। तो ये अच्छा सा इसके अंदर ये लग जाएगा, कोट हो जाएगा। अभी तक का जो हमारा ये सफर है ना मछली का, वो ये है कि हमने इसको मैरिनेट कर लिया। अरे चलो जी, मैरिनेट करें, थोड़ी सी मैरिनेशन करें भाई। बेटा जो है वो रोटियां शोटियां भी डाल लेता है। हाँ, काम पे बहुत सुगर है भाई, जिसको रिश्ते के लिए चाहिए हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों की तो अभी से ये है डिमांड कि यार तुम्हारे बच्चे जो है ना बिल्कुल सुगर। बड़े बड़े दो बेटे भी, वो पूरी फुल फ्लेश कुकिंग जानते हैं, पूरी पूरी कुकिंग करती हैं, वो पराठे बना लेती हैं, रोटियां, जबकि वो बड़ा बेटा मेरा 13 साल का है, उससे छोटा 12 साल का है, कढ़ाई बना लेते हैं, सैंडविचेस का। देखो ना, एक तो माँ को देखना होता है, लेकिन माँ ने इन्वॉल्व करके रखा है ना, माँ ने काम करवाया है शुरू से ही, तो वो एक उनको काम करना भी आ गया, चीजों का भी पता चल गया। और वो और मैंने उनको टेबल मैनर्स, खुद टेबल लगाते, टेबल उठाते, चीजें करना, सफाई करना, चीजों को समझना। अच्छा, इसे कटिंग करवा लेते हैं, चले आ रहे, कुछ दे दो इसको, क्या इसको यही हो रहा है कि मैं क्या काटूं। अच्छा, पालक कटवाना है इसे? हाँ हाँ, पालक कटवा। चलो आ जाओ, आ रहे। ये फिश हमने मैरिनेट कर रख दी, ठीक है। हम क्या करते हैं, जब तक ये मैरिनेट थोड़ी देर रखते हैं हम इसको, हम जल्दी से पकौड़ों की तरफ सालन बनाते हैं। अच्छा, इसने देखिए हमने छुरी जो है ना चूज कर ली है, ले लो, क्या ये कट करना है, ये दे दो इसको, हम सालन की तैयारी करते हैं ऐसे करके ना, यूं पकड़ के, जैसे तुम वो हाँ तुरई और वो काटते हो, ये तुरई, भिंडी, लौकी, ये बहुत शौक से काटते हैं आप देख लीजिएगा, ये बड़ा ट्रेंड है। और अगर आरिफ आप अपनी ये उंगलियों को ना ऐसे रखोगे ना, देखो, तो फिर ये कट नहीं होंगी,
हम जब शेफ बन रहे थे ना आरिफ, तो हमें ना ऐसे बताया था, दिखाओ दिखाओ, मैं आपको बताती हूँ, ऐसे रखोगे ना तो ये ऐसे लग भी जाएगी तो कट नहीं होगा, ऐसे आप अच्छा, करके देखो। अभी आपकी तो सुन रहा है, जब मैं इसको बताती हूँ तो कहता है आप रहने दे मुझे पता है। ये चीज आ गई, और लो और कट करेंगे। देखा आपने, ये टमाटर भी काटे, पहले आप पालक तो काटे, हमें पालक कैसे जरूरत है। अब हमने क्या करना है, अब हमने बनाना है झटपट सा जो है पकौड़ों का सालन। पकौड़ों के लिए हम ये बना रहे हैं, प्याज हमारे पास कटी हुई मौजूद है, सही है। हम जल्दी से जो है बेसन का, जैसे हम पेस्ट बनाते हैं, अच्छा, सही हम है। वो बनाएंगे बेसिक। आरिफ साहब हमेशा आरिफ, आप हमें जल्दी से पालक काट दीजिए। सालन हम शुरू कर दें जब तक, बिल्कुल पकौड़े पहले बनाओ, हम एक तरफ पकौड़े रख देंगे और एक तरफ सालन, तो सालन चढ़ा देते हैं जब तक ये कटिंग हो रही है। और ये लो वो भी है, फिर टमाटर को कट करना है। हाँ। इसको बता दो कैसे कट करना है, ये इनको पता है टमाटर सही है, बहुत आराम से। टमाटर इनके फेवरेट है क्योंकि काटते भी जाएंगे और खाते भी जाएंगे। अच्छा और आरिफ ये तो बताओ हम पालक लाए कहाँ से, ये तो आपने बताया। हाँ, हाँ? खेत। क्या खेत? खेत से, खेत से, अपने किचन गार्डन से भाई। इनका बहुत बड़ा गार्डन है और उसमें सारी सब्जियाँ ग्रो की हुई है, पालक, धनिया, पुदीना, टमाटर। ये जो है ना इसको छोटा करें ना, ये इतने बड़े बड़े थोड़ी हम बड़े और छोटे करने होंगे। पकड़ पकड़। हम तो बच्चों से ज्यादा माएं डर रही होती है, नहीं नहीं छुरी नहीं, नहीं नहीं छुरी नहीं, मैं ये देख रही हूं बड़ी छुरी लेता है, डर खौफ हम ही ने बिठा दिया बच्चों में, अभी ये कि दे दिया। अच्छा मेरे बॉयज है ना, तो बचपन से जब ये गिर रहे होते थे कुछ भी होता था तो मैं कहती थी गिरने दो कोई बात, खुद ही उठ जाते थे। जब हम कहते हाय अल्लाह तो बच्चा रोने लगता है और टेंशन और सारा कुछ। अच्छा जी, इसका जो सालन है पकौड़ों का, ठीक है, पकौड़े कोई भी तरह के हो सकते हैं, हम बना रहे पालक और प्याज के पकौड़े, ठीक है, क्योंकि पालक में क्या होता है अरे आयरन, पालक में क्या होता है बताओ जल्दी से, पालक में से हमें क्या मिलता है, पालक से स्ट्रॉन्ग आयरन स्ट्रॉन्ग हो जाता है। हाँ, इसको जो है ना ऐसे अभी कोई कॉलर आता है ना तो मैं उनसे जरा वो सवाल करती हूँ जो शॉपकीपर ने इससे सवाल किया था। हाँ, तो मैं जरा देखती हूँ कि वो हमारी, क्योंकि मैं भी नहीं शायद जवाब दे सकूँ फौरन से, मुझे सोचना पड़ जाएगा। ऐसे करके काटो, ठीक है। अच्छा जी, हमने हाँ जी जो हम बात कर रहे थे, हाँ, इसकी बेसिक हम ऑयल लेंगे, हाँ, ऑयल में हम मसाला साथ साथ डाल देते हैं हम, ताकि मसाला इसका तैयार कर दें, फिर अगली ब्रेक में जो है वो ये हमने कुकिंग ऑयल लिया हम। अच्छा, इसका मसाला हमें थोड़ा सा बनाना है, हाँ, तो वो हम फटाफट बना लेते हैं, यानी हम ब्लेंड कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, मैं इसमें बता देती हूँ, जैसे ये हमने प्याज ले ली, हाँ, एक बड़े साइज की या दो छोटी प्याज, ठीक है, ठीक है, ये हमने ली, वही पानी का शच्ची का जो है ना, हल्की कर दूँ। अच्छा, मैं इधर रख देती हूँ। हाँ, अच्छा, ये प्याज को हमने ब्राउन करना है फातिमा? नहीं, हम इसको ब्लेंड करेंगे। अच्छा, टमाटर काट जरा मोटे मोटे, हाँ, जैसे मैंने इसको बोला है कि इस तरह से हमने टमाटर लेने हैं, ठीक है, और प्याज, और ये लहसुन भी चॉप करके रखा हुआ है, ठीक है, आप ये लेके, और इसको हमने फ्रेशली अभी हम ब्लेंड करेंगे मसाला, ऑयल हम करेंगे गरम, बस ये तीन चीजें बस। अच्छा ठीक है, ऑयल हम करेंगे गरम, टमाटर है, प्याज है, इसको थोड़ा सा पानी डालकर ब्लेंड कर लेंगे, है ना, दूसरी छुरी निकाल लो, बिल्कुल, हम इसको ब्लेंड करके हम ऑयल में, ठीक है, इसको हम पेस्ट को पकाएंगे, इसका कच्चापन दूर करेंगे, और बेसिक इसकी सीजनिंग वो हम सामने करते हैं। हाँ, हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक में हम ये करेंगे इतना काम कि ऑयल को हल्का गर्म करते हैं, टमाटर, लहसुन और प्याज को थोड़ा सा पेस्ट बनाते हैं पानी के अंदर ब्लेंड करके, और उसको कुक करने रख देंगे। आप लोग हमारे साथ ही रहिएगा, बिल्कुल डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ये बच्चा ट्रेंड है। आप लोग कॉल कीजिए ज़रा, आपसे भी कुछ सवाल करना चाहेंगे और आप इनसे भी कोई सवाल कर सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं। अजय जी, वेलकम बैक, हम इंतज़ार कर रहे थे। अच्छा, मछली को तो हमने मैरिनेट कर दिया शान का लाहौरी फ़िश मसाले से, और मज़ीद जो कुछ डालना था फातिमा ने वो डाला था, आप रेसिपी फॉलो कीजिएगा। इसकी एक ख़ास बात आपकी ये है कि जो आप शैलो फ्राई या थोड़ा सा तेल ज़्यादा लिया है, बट डीप फ्राई नहीं है टोटली, और वो है सरसों का तेल, बिल्कुल है ना, सरसों के तेल में आप कर रही हो तो वो एक अलग खुशबू देगा।
फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और इसके अलावा इसमें मैं सारी फ्राइंग जो है इसी में करती हूँ, बल्कि नॉर्मली मैं खाना सब्जियाँ इसी में बनाती हूँ। सरसों का तेल ना फ्लेवर होता है, और इसको भी तरीका है क्योंकि नॉर्मली लोग इसलिए इसको अवॉइड करते हैं कि जब उसको इस्तेमाल करते हैं तो स्मेल आती है। उसका तरीका ये कि आप जितना भी सरसों का तेल है, 1 लीटर 2 लीटर आपने बड़ी कढ़ाई में डाला, उसे बहुत ज्यादा हीट अप करें गरम। अच्छा, तो फिर उसमें इस तरह से 1-2 प्याज के टुकड़े लिए उसमें डाल दिया। अच्छा, ताकि वो स्मेल उसकी जज्ब हो जाती है, वो काला हो जाए, उसे निकाल दें और फिर आप जग में बॉटल में करके रख लें और आप फिर उसे यूज। अच्छा, वो यूज कर तो कभी भी स्मेल नहीं आएगी। तो ठीक है, सरसों का तेल सेहत के लिए बहुत अच्छा है, बेस्ट ऑयल है और सब तेलों में सबसे बेहतरीन सेहत के लिए, क्योंकि ये जमता नहीं है आपके अंदर। लाइफ में ना 5 चीजें खाने पीने की हाँ वो होनी चाहिए, आप उसको रिप्लेस करें व्हाइट से ब्राउन में। व्हाइट से तेल, नमक, शुगर, राइस और आटा 5 चीजें व्हाइट से ब्राउन में कर दें, इजी वे है ना। बिल्कुल, अरे ये चलिए हम वो बनाते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ जो हमने पेस्ट बनाया था उसको, ये तो नॉर्मल ऑयल, कुकिंग ऑयल लिया। यस, ये नॉर्मल, वैसे मैं घर में इसमें भी सरसों का तेल यूज करती हूं, बट यहां हम नॉर्मल, क्योंकि लोग जितना बनाते हैं, हमने नॉर्मल कुकिंग ऑयल लिया है और उसमें हमने क्या, प्याज, टमाटर और लहसुन का पेस्ट बना के हम इसको थोड़ा सा पका रहे हैं। ठीक है, और इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि हम डाल क्या रहे हैं। अच्छा, बेसिक सीजनिंग है, मसाले, ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, प्लीज जिसको जो बेहतर लगे वो कर ले। हमने नमक लिया है, एक हाथ से डालो, हमने नमक ले लिया, पिसी हुई लाल मिर्च ले ली है इसमें, ठीक है जी, जैसे हस्बे जायका अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से, ठीक है। हल्दी इसमें जाएगी, ठीक है जी, सही, आधी चाय की चमची, सही, वही जो सालन का जैसे होता है सालन, ठीक है जी। धनिया पाउडर वगैरह डालोगी इसमें? कितना धनिया पाउडर वगैरह? नहीं, मैं धनिया नहीं डाल रही इसमें, क्योंकि जब नॉर्मली आप धनिया ज्यादा डाल देते हैं तो उससे क्या होता है, कड़वाहट सी आ जाती है। सही, बस ये बेसिक मैं मसाला डालूं, बट अगर कोई डालना चाहे तो वो बिल्कुल डाल सकता है। अच्छा, ठीक है, हल्दी, नमक और लाल मिर्च डाल, बस हमने इसको क्या कहते हैं, मसाला हम थोड़ा सा भूनेंगे। ठीक है, ठीक है जी, इसको पानी डाल देंगे जब तक हम पकौड़े बनाएंगे, और पकौड़े का अब मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ एक तरफ सालन हो रहा है, बेशक हल्का करना, हल्का करना, पानी डाल के। आई नो कि बहुत सारी ऐसी खवातीन माएँ होंगी जो देख कर इसके हाथ में छुरी देखकर, कटिंग देखकर कह रही होंगी कि ये देखो अभी से छुरी दे दी है ना। कुछ लोग कुछ लोग इसके अगेंस्ट भी होंगे और सुनने को भी मिला होगा। बिल्कुल सुनने को, बिल्कुल सुनने को, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम जो बच्चा नहीं डर रहा होता, हम डर रहे होते हैं और हम अपना डर जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन वही वाली बात है कि जब तक इसको देंगे नहीं, ये खुद से सीखेगा नहीं, तो नहीं आएगा। अब मैं ये नोट कर रही थी कि इसको डर ही नहीं है, मतलब छुरी के नहीं कि हाथ कटेगा, नहीं, काम कर रहा है। और अब आहिस्ता आहिस्ता भी सकता है हाथ, चोट भी लग सकती है, बच्चे गिरते हैं, लेकिन उसी से सीखेगा, उसी से सीखेगा। भाई जैसे खेलता है, फुटबॉल खेल रहा है, बाहर आउटडोर खेल रहा है, तो हम खेलना तो बंद नहीं करते, हमें पता है कि वो चोट लग सकती है, हमें पता है कि वो गिर जाएगा, हमें पता है कि बॉल लग जाएगी। हम भी तो किचन में काम कर रहे होते हैं, हमारा भी हाथ जल जाता है, हमारा भी हाथ कट जाता है, हमें भी लग जाती है चोट, तो ठीक है, ध्यान से करना जो भी करना। बड़े मजे से इसने कट किया है टमाटर, ये वो फ्रूट्स भी खूब मजे से काट गई। चलो ये रमजान में फ्रूट चाट तो अच्छी बना देगा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, आधी तो खा लेगा काटते काटते, ये नाम वाले कैसी हैं आप? सियालकोट से आप कॉल कर रही हैं? जी जी, क्या कहना चाहोगी आप? मैं कुछ नहीं, आप बात बहुत प्यारी लग रही है। हाँ, आप बात बहुत प्यारी लग रही है। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मुझे बताओ, आप पढ़ाई वढ़ाई कर रही हो? जी मैं 9th क्लास में गई। 9th क्लास में हो? अच्छा मुझे बताओ, 1 मिलियन में है ना? Yes, 10 लाख होते हैं ना? हाँ, 10 लाख। 10 लाख होते हैं या 1 मिलियन हो है, उसमें कितने जीरोज होते हैं? 1 मिलियन में, 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख होते हैं तो हाँ देखो आठ जीरो होते हैं। कितने? आठ जीरो। नहीं, उसको लिखो, 10 लाख लिखो या 1 मिलियन बोलेंगे इसको। देखो उसने जवाब दे दिया। इस टाइम आपने पूछा तो मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। हम ना मिलियंस और बिलियंस की बात तो करते हैं, हमें ये भी नहीं पता कि उसमें जीरोस कितने होते हैं। आरिफ को पता है। हाँ, ये जीनियस को पता है। यस। तो अच्छा, खैर एनीवेज, आप कुछ और कहना चाहोगी?
मुझे आपके शो में आने का बहुत शौक है, लेकिन मैं शाहकोट रहती हूँ तो मैं अकेला तो नहीं आ सकती। चलो कोई बात नहीं, आप जब तक खुद सीखो हमारे शो से जितना सीख सकती हो, ठीक है? थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। तो ये आप गई थी जोड़िया बाजार? जी, मैं क्योंकि वहाँ से चीज़ें लेकर आती हूँ, दालें, चावल, बेसन, इस तरह की मेरी जो सारी बिल बना था, जो भी बिल की अमाउंट थी वो इसने बोल दी। और ये छोटा था, बहुत छोटा था, ये काफ़ी पुरानी, मेरे ख्याल से साल दो साल पहले की बात है। तो बच्चों को ये नहीं पता होता कि ये 500 का नोट है, ये 100 का नोट है, इसको सब पता होता है। इसको सारा मतलब ये दादा के पास जाता है, कहते हैं सबसे बड़ा नोट, तो वो 5000 का नोट देते हैं और 20 का देते हैं, तो ये 5000 का नोट, 20 आप रखें। तो इसने कहा कि मामा बिल हुआ है 5200। इसने बिल देखा तो वो बड़े सरप्राइज हुए कि इतना छोटा सा बच्चा, इसे कैसे पता, बच्चों को तो नहीं पता होता। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा नहीं इसको पता आता है, हमारा हिसाब किताब यही देखता है। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो उन्होंने एकदम पूछा कि अच्छा बेटा बताओ जरा 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं। तो इसने विद इन सेकंड्स मतलब मैं कैलकुलेट कर रही थी, बिल्कुल, और क्या हमें, और इसने फौरन बताया कि कितने जीरो होते हैं, अरे 6। अब मैं लिख के देखती हूँ, 10 और 1 2 और 1 2 3 5 6, यस 6 कंफर्म कर रही थी। हम इसको ये एक दफा शॉप पे गया और दो रुपए बचे थे जो शॉपकीपर को वापस देने थे, वो उन्होंने नहीं दिए। कितने मजे से कट कर रहा है, मैं तो ये हैरान हूँ, और बीच बीच में खा भी रहा है और एंजॉय कर रहा है। ये नेक्स्ट डे वापस गया कुछ चीजें लेने भाई के साथ शॉप पे, तो उनको कहते हैं वो कल के 2 रुपए। हाँ, उन्होंने कहा तुम्हें याद है, कह रहे हैं दिया मेरे 2 रुपए। हाँ, इसे वापस, तो उन्होंने फिर उसको कैंडी दी। अच्छा, तो बस अब जो हमारी नेक्स्ट कॉलर होंगी ना, वो कोई भी मैथ्स का सवाल कर सकती हैं, आरएस हम देखते हैं कि जवाब देते नहीं। कॉलर नहीं, आप ब्रेक पे जाएं। अच्छा चले, एक कॉलर से बात करते हैं और फिर ब्रेक पे लेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, मैं कैसे हूं जी। अच्छा देखें, आज हमारे पास ना एक लिटिल जीनियस आया हुआ है और वो मैथ से बहुत होशियार है। ये मैं देख रहा हूँ, बच्चा इतना मासूम सा काट रहा है ये सब्जी, डर मुझे लग रहा है। हाँ देखे जरा, हम कितना बच्चों को दूर रखते हैं ना छुरियों से। हमारी माएं पहले हाथ में लगाने देती थी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन ये कि अब इसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है, गाइड किया गया है माँ ने, तो अब वो कटिंग कर रहा है। अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छा। मैं चाहूंगी कि आप कोई भी मैथ्स की कैलकुलेशन इससे पूछ लें, जरा जरा देखते हैं ना, कुछ भी पूछ लें, एनीथिंग, अरे सुनो पूछ लें, कुछ पूछ लें, बताइए क्या सवाल कर रहे हैं आप। अच्छा टेबल पूछ लूं? टेबल पूछ लें, हां हां एनीथिंग, टेबल पूछ लें, चलें एनीथिंग। अरे लिसन केयरफुली, अरे पूछे। अच्छा बताओ, कुछ भी, 51 × 7 मुझे बताओ कि 115 + 200 आप तो सवाल में ही फंस गए। आप सोचिए कोई सवाल, सिंगल डिजिट इसको, क्योंकि 10-12 तक इसको टेबल्स आ रहे हैं। माशाल्लाह, मैं सुन रहा हूं, मेरे से कह रहा हूं। अच्छा अभी आगे और पूछेंगे, से थोड़ी सी कंफ्यूजिंग वाले डिजिट्स पूछ लेंगे। हाँ अच्छा जी, ये जरा हम बताते हैं कि क्या क्या डाल रहे हैं। हाँ, हमने डाला है पालक, प्याज, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टिश्यू ले लो, वो मैं देती हूँ, ठीक है। इसमें हमने डाला नमक, हाँ, कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है, पिसी हुई लाल मिर्च, अच्छा ये लें, और थोड़ी सी अजवाइन पिंच, अच्छा ठीक है, ठीक है, पकौड़ों में भी आपने, ये कुटा हुआ और भुना हुआ गरम मसाला, अच्छा थोड़ा सा जाएगा, ज्यादा नहीं, ठीक है, ठीक है। पिसी हुई लाल मिर्च मैंने कम डाली है, कुटी हुई जरा ज्यादा डाली है, ठीक है। इसमें भी हम थोड़ी सी हल्दी जरूर लेंगे, इससे पकौड़ों का ना कलर जरा अच्छा आ जाता है, ठीक है जी। और हम इसमें डाल रहे हैं बेसन, अच्छा सही है। अच्छा थोड़ी सी अजवाइन, गरम मसाला, अजवाइन में लाजमी डालती हूं, हल्दी, नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, प्याज है, पालक है, जो भी चीज आप सब्जी डालना चाहें करें, आप बना लें, करो, कह रहे हो गई है, हाँ हो गई, फिश तो कह रहे हैं, क्रिस्प बनी है। देखिए हमने अलग से जो है वो कॉर्नफ्लावर और बेसन आपने और ऐड किया था, बहुत क्रिस्पी, ये वाकई इससे करेंगे, चलो करो, हाँ कर लो, चलो ये आपके ऊपर ना आ जाए ना बेटा। अच्छा हमने ब्रेक पे जाना है, आप ब्रेक में टोंग इस्तेमाल करो, टोंग टोंग पता है ना क्या है, उससे इजीली निकल जाएगा। हम ब्रेक में जाते हैं, ब्रेक से फिर वापस आते हैं, इसका इससे और तो कुछ नहीं जाना ना फातिमा,
थोड़ा सा पानी बस। अच्छा बस पेस्ट बना के इसके पकौड़े बना रहे हैं। ठीक है जी, बेसन डालकर हम इसका बस पकौड़े बना रहे हैं। यहाँ पर इसका सालन तैयार हो रहा है, पकौड़े भी फ्राई करते हैं, देख लेते हैं फिर आते हैं। मैंने मिर्चों का बता दिया, मिर्चे मैंने जी। वेलकम बैक, मैं इंजॉय कर रही थी। ये ब्रेक में हम चले तो गए, लेकिन जो सवाल मैंने इससे किया था 51 मल्टीप्लाई बाय 7 यूसी में लगा हुआ था और कहने लगा 400 होते हैं, तो खैर हमने चेक किया, हमने कहा नहीं नहीं देखो 357 357 होते हैं, 57 होते हैं। ओफो, मेरी उर्दू की काउंटिंग भी मुझे अभी ठीक करनी पड़ेगी फिर से, भूल गई। अच्छा जी, यहाँ पर पकौड़े हम बना रहे हैं, पालक प्याज हरी मिर्चें और जो भी चीज़ें डालनी है बेसन के साथ। मसालों में आपने अजवाइन भी डाली थी, लाल कुटी मिर्ची भी थी और गरम मसाला भी था, हल्दी भी थी। अच्छा, ये हमने इसलिए क्योंकि मैं अपने बेटे को लेकर आई हूँ और आज हम प्रमोट कर रहे हैं हेल्दी फूड। सही है, ठीक है, घर में बने तो इसलिए मैंने पकौड़ों में पालक यूज़ किया। आप चाहें तो सादे बना लें, आलू के बना लें, प्याज के बना लें, जैसा बेहतर। और इस तरह से बारीक काट के ना तो ये बच्चे भी खा लेंगे, बहुत पता नहीं चलेगा कि क्या है। मैं तो पता नहीं क्या क्या डाल के बना के बनेंगे। भाई मछली तो बड़ी क्रिस्प बनी है, देख लें आत्मा, बहुत मज़ेदार। एक तो ये कि शान का लाहौरी फिश मसाला था, बिल्कुल ऊपर से आपने उसमें मज़ीद कॉर्नफ्लावर और बेसन डाला, बिल्कुल क्रिस्प। और फिर दूसरा ये कि ये स्किन के साथ थी, उसकी बात ही कुछ और होगी। जब आप खाएं तो फिर सही से खाएं ना, असल चीज़ तो हम निकाल देते हैं। कांटा ना आए, आपको फिश पसंद है? अरे बताएं भाई, देखिए जो भी चीज़ अच्छी बनी होगी ना वो सब पूरा नहीं खाना, हम तस्वीर में दिखाएंगे, एक पीस खा लो उठा के। नहीं, ये एक पीस भी बमुश्किल, मतलब शौकीन है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं खाता। अच्छा हाँ, बहुत मज़े की बनी है और क्रिस्पी, सही है ना सारा टेस्ट। अच्छा, पकौड़े जो हैं वो आप किसमें, सरसों के उसमें कर रही हूँ? बिल्कुल, मैं सरसों का ही मैंने तेल लिया है। मैं फ्राइंग जितनी करती हूँ और घर में जितने सब्जियाँ बनती हैं खास तौर पे, वो सब इसी में बनती हैं। अच्छा, मैं ज़रा इसको ट्राई करूँगी सरसों के तेल में। निकल गया भाई, ये कांटा देखकर करना। यहाँ पर पकौड़ों का जो मसाला है ये तकरीबन रेडी है, बस ये देखें इसमें ऑयल ऊपर आ गया है और हमने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाला क्योंकि मैं प्रेफर नहीं करती हूँ कि बहुत ऑयली या इस तरह का हो, बिल्कुल मुनासिब मसाला। और वो आंटियाँ जो इसमें धनिया डालना चाह रही हैं वो डाल सकती हैं। अच्छा, मैंने किसी को पाबंद नहीं किया, काला हो जाता है वैसे थोड़ा सा और कड़वा भी हो जाता है। अब आप ये देख रहे हैं जो रेड कलर आ रहा है ना खूबसूरत सा, ये वाला कलर ख़त्म हो जाता है। सिर्फ हल्दी, लाल मिर्चें और नमक आपने डाला था, बाकी तो जो पेस्ट बनाया था। देखिए ये ना कॉन्सेप्ट बहुत वाला है हमारे यहाँ कि हम ये समझते हैं कि जितने ज़्यादा मसाले होंगे चीज़ उतनी मज़े की बनेगी, ऐसा नहीं है। आप दो तीन चीज़ें डाल के भी अच्छी चीज़ बना सकते हैं। अच्छा जी, हमारे जरा ड्रिंक पे टू द वॉक, सॉरी क्या कोई कॉलर है? बस ठीक है, अभी आलिया जाके आपने आलिया, हेलो आलिया, अस्सलाम वालेकुम, कॉलर आ गया, जाएं आपके लिए सवाल। हेलो, हाँ अच्छा, सब बच्चे ही कॉल कर रहे हैं मतलब। हेलो, हमारे लिए कॉल आई है। हाँ अच्छा जी, आरे रेडी हो गए, इनसे कोई सवाल आपने करना है? जी जी हाँ पूछो, चलो हो जाए आज मैथ्स का कंपटीशन। Yes. चलो, एक तरफ मैं हूँ एक तरफ आ रहे, देखते हैं कि कौन पहले जवाब देता है। चलो पूछो सवाल, मैथ्स की कोई कैलकुलेशन। यस यस पूछे। नहीं आप पूछे ना हमसे, मैं पूछो? हाँ कुछ भी। अच्छा, तो मैथ्स में एक फॉर्मूला है जो दिमाग में इस्तेमाल होता है, वो कौन सा है? हाँ क्या, क्या? मैथ में एक फॉर्मूला है जो दिमाग स्कूल में इस्तेमाल होता है, वो कौन सा है? ये तो फोर्थ में है भी नहीं, ये तो वन में है, ये तो बेचारा क्लास वन में है बेबी। अच्छा चलो मैं एक सवाल करती हूँ। दो साल में कितने दिन होते हैं आप बताइए? दो साल में कितने दिन होते हैं जल्दी बताओ, एक साल में कितने होते हैं? एक साल में 365 से 365। उसको ऐड कर दो, वो कैलकुलेट कर रहा है। अरे बैठ, आपने क्या जवाब दिया? 760। अच्छा 760 आपने बोला है, आपके पास क्या जवाब है? दो साल में कितने दिन होते हैं? 365 प्लस 365। चलिए जी जवाब दें, यहाँ पर कोई है? जो पहले जवाब दे देगा वो जीनियस। 300, 300, 600, 65, 65, 120, 130, 730। यस यस, 730 इज द राइट आंसर, आरएम इज अ जीनियस।
हम फेल हो गए। चलो जी, पकौड़े रेडी हैं? बिल्कुल, सालन भी रेडी है। अच्छा, ये मैं कह रही थी। हाँ जी बिल्कुल, ये हम बना रहे हैं ग्वावा स्लश। इसका भी वही तरीका है कि बच्चों को अमरूद आप ज्यादा नहीं खिला सकते, पेट में दर्द होता है, तो उसके लिए हम स्लश बना रहे हैं। ठीक है। इसमें क्या है कि दावत में भी वैसे भी आप घर में, मतलब अरे आई नीड योर हेल्प। चलो ये कट करके दे, मुझे जरा जल्दी से कट करके। अच्छा, इसमें क्या जाएगा? अमरूद जाएगा, चीनी है, एक अमरूद, हाँ, हस्बैंड जाएगा चीनी, ठीक है, और नमक, हाँ यूं काटो, नमक सॉल्ट जाएगा, ये वो है ब्लैक पेपर है या पिंक सॉल्ट ले, पिंक सॉल्ट है, और ये है वाइट ड्रिंक, ये व्हाइट सोडा, व्हाइट सोडा। अब हम क्या करेंगे कि हम गाढ़ा गाढ़ा इसको ब्लेंड करेंगे ग्वावा को, ठीक है, थोड़ा सा पानी डाल के। सही है। अच्छा, जब ये ब्लेंड भी जाएगा, हाँ, फिर हम जैसे ग्लास के अंदर क्वार्टर ये लेंगे जो हम इसका पेस्ट बना रहे हैं। स्लाइस कट कर रहे हैं भाई, वेरी गुड। हालांकि ग्वावा के जो अमरूद के जो बीज होते हैं वो काफी सख्त होते हैं, लेकिन आप सफाई देखें, हाँ, प्रॉपर। तो उसमें फिर जैसे क्वार्टर हम ये ले लेंगे पेस्ट, और इसमें हम बाकी जो है वो ड्रिंक और ड्रिंक ऐड करेंगे ऊपर से, और इसको मिक्स करके आप। अच्छा, मतलब थोड़ा सा पानी तो आपको वो एक जैसे कि इसको देख के ना हमारे कैमरामैन की जो है ना चीखें निकल रही हैं, अंदर ही अंदर वो कह रहे हो वो पापा कर रहे हैं ऐसे ऐसे। फिक्र नहीं करें, माँ है साथ में, हमें नो टेंशन, माँ देख लेगी। देखिए, यही डर को हमने अपने हटाना है, और जो बिल्कुल जो लोग अगर एतराज़ कर रहे हैं कोई बात नहीं, वो आप अपने बच्चों को ना दिखाएं ना करवाएं, लेकिन इसका भी एक तरीका होता है भाई। नहीं देखिए, कराना चाहिए बच्चों को, अगर आप नहीं सिखाएंगे ना, हाँ, आगे उसने करना है बच्चे ने। सही है, ये हमेशा माँ नहीं रहती साथ। हाँ बिल्कुल, और इंटरेस्ट ये है कि कम अज़ कम गैजेट से हट के, बिल्कुल वो ज़्यादा ख़तरनाक है कि आई साइट वीक हो जाती है और बच्चे जो है प्रोडक्टिव नहीं रहे, और वो अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते। आई हैंड मूवमेंट है, मोटर स्किल्स हैं, इसमें सारी डेवलप हो रही हैं, बिल्कुल, जो कि बचपन में हो जाती हैं ऐसी चीज़ें। अच्छा, ये मेरी प्रैक्टिस है कि जब मैं इसके साथ कुकिंग कर रही होती हूँ तो मैं इसी तरह सवाल कर रही हूँ, जैसे आपने पूछा, अच्छा ये बताओ, ये बताओ, अरे अरे भी उठाएं जो आपने गिराया है, वहाँ डस्टबिन में डाल दें, गंदा हो गया है ना। अच्छा, ये हम डाल दें इसमें? बिल्कुल डालें। अरे ठीक है जी, ये गुआवा डालें। अभी हमने रिकैप ब्रेक पे जाना है, यहाँ पे पकौड़ों के सालन में हमने बस हमने पकौड़े डाल दिए हैं, इसको 5 मिनट हम दम पे रखेंगे बस, जब तक ये थोड़ा सा पानी सोख करेगा, ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी इस तरह, और बस हम इसको हरा धनिया हरी मिर्च डाल के गार्निश कर देंगे। अच्छा जी, ये ड्रिंक बना ले। अरे जल्दी से आ जाओ, रिकैप पे जाने से पहले अगर कुछ डालना है इसको ब्लेंड कर लेते हैं। अरे एक बहुत है, थोड़ी सी चीनी, हस्बैंड जायका चीनी, काला नमक ले लें या पिंक सॉल्ट थोड़ा सा, ये भी पिंच जाएगा। ठीक है जी, इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको और ब्लेंड कर। अच्छा, फिश खा रहे हो? और फिर मज़ीद ब्लेंड करेंगे ड्रिंक डाल के। अरे आ जाओ इधर, आ जाओ। चलो जी, ये लो। अरे जाइए, आप ब्लेंड करते हैं, आप लोग एक रिकैप ब्रेक ले लीजिए और फिर हम वापस आते हैं। ब्लेंड करें। लाहौरी फिश अज्जा, मछली 1 किलो, फिश मसाला 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट हस्बे ज़रूरत, बेसन 1 से 2 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 1 से 2 खाने के चमचे, सूखी मेथी 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, अजवाइन 1 चुटकी। तेल तलने के लिए तरकीब, मछली में तमाम अज्जा मिक्स करके रखें, फिर इसे गर्म तेल में फ्राई कर लें। पकौड़ों का सालन, पकौड़ों के लिए अज्जा, बेसन 1 कप, बेकिंग पाउडर 1/2 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, अजवाइन 1 चुटकी, प्याज 1 अदद, कटी पालक 1 कप। ग्रेवी के लिए अज्जा, तेल 2 खाने के चमचे, प्याज 2 अदद, टमाटर 2 अदद, लहसुन 1 जवा, नमक हस्बे जायका, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, दही 2 खाने के चमचे, हरी मिर्चें 2 अदद, हरा धनिया गार्निश के लिए, गर्म मसाला छिड़कने के लिए। तरकीब, बेसन में तमाम अज्जा मिक्स करके बैटर बना लें, फिर गर्म तेल में फ्राई करें। ग्रेवी के लिए गर्म तेल में प्याज लहसुन और टमाटर फ्राई कर लें, फिर बचे मसाले डालकर 3 से 4 मिनट फ्राई करें। अब दही मिलाकर कुछ देर मजीद पकाएं। अब पकौड़े डालकर 5 मिनट पकाएं और चूल्हा बंद कर दें, फिर गर्म मसाला हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल दें। ग्वावा स्लश अज्जा, अमरूद 2 से 3 अदद, चीनी 4 चाय के चमचे, नमक 1 चुटकी, लीमू का रस 1 खाने का चमचा, सोडा 1 बोतल। तरकीब, अमरूद में चीनी, नमक और लीमू का रस डाल के ब्लेंड कर लें, फिर सोडा में मिक्स करके सर्व कर दें। आ जाएं जी, वेलकम बैक। मैं और आरिब जो है वो पकौड़े इंजॉय कर रहे हैं, खाली पकौड़े, सालन हमने तैयार कर दिया। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ।
मछली भी क्रिस्प, गुआवा ड्रिंक, गुआवा का जो पेस्ट बनाया था थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी चीनी डालकर, गुआवा का पेस्ट पानी के साथ बना के, और फिर उसको ग्लास में एक दो चमचे डालकर आपने इसमें ड्रिंक डाल दी कोई भी वाइट वाली, और ये मज़े के है ना भाई। आज तो हमने इन्जॉय किया, मम्मा से ज़्यादा हमने आरिफ के मैथ्स की कैलकुलेशन और कटिंग को इन्जॉय किया। आई थिंक फर्स्ट टाइम हमने मसाला चैनल पे या अपने शो पर दिखाया कि एक छोटा सा बच्चा 7 साल का वो कटिंग कर रहा है। कई लोग शायद हो सकता है इसके अगेंस्ट भी हों और लोग कई बातें बनाएं, जो कि फातिमा ने ऑलरेडी काफ़ी सारी फेस की हैं क्योंकि काफ़ी टाइम से ये सारे काम कर रहे हैं। वही वाली बातें, इसको डाला गया उस वे में तो उसने उसी तरह से सीखा। ये बाकायदा बड़े मज़े से इसने मछली खाई है, मतलब तो मैं इतने खुल के नहीं खा सकती। सारे कांटे खुद से इसने निकाले, वो भी मीठे पानी की, आपको पता है कांटे कितने होते हैं। इसने फुल पीस इंजॉय किया, वो और लेने जा रहा था और लेकिन ये के अच्छा किरण, ये पहले इसको पसंद नहीं थी फिश। अच्छा। मैं आपको बताऊं, सी फूड क्योंकि मुझे भी नहीं पसंद है। अच्छा। तो इसको भी इतना पसंद नहीं, इनके फादर को बहुत पसंद है। हाँ। तो मुझे ये था कि यार ये क्यों नहीं खाता। हाँ। हाँ, एक मिनट अभी तो जाएगा। नहीं भाई, इसने जिस तरीके से खाई एंजॉय किया और कांटे एक-एक करके निकाले, इसीलिए क्योंकि जब असल में ये होता है कि हम चलते फिरते, हमारे घर में भी ये था कि जब हम बैठना उठना, जैसे माए और अब्बा हमारे उर्दू पे टोकते थे, बेटा कीमा बोलो, कीमा नहीं होता, सही बात है, ठीक है, दरवाजा बंद कर दीजिए, कीजिए नहीं ये इस तरह। तो हम भी इनको जो है सिखा रहे होते, बता रहे होते। तो जबकि मेरे साथ कुकिंग करने लगा ना, जब इसने बनाई फिश तो उसको हुआ कि मैंने बनाई है तो मैं खा के देखूं। अच्छा। खाई तो मजा आया। चलो वेरी और ये कांटे निकालना और ये खाना, ये इनके अब्बा ने इनको सिखाया है। नहीं, अच्छी बात है जी, ये हमारा शो, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आरिफ एंड फातिमा के लिए एनिक्स का गिफ्ट है आपके लिए जो साथ जाएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया एंड विश यू ऑल द बेस्ट। और बड़े होकर एस्ट्रोनॉट बनना है इन्होंने और मैथमेटिशियन जी। अच्छा जी, बिल्कुल बन जाएंगे ये जी। उम्मीद है कि आपने पसंद किया होगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी नए गेस्ट और नए मेहमानों के साथ, नई रेसिपीज के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और वाकई में खुश रहें, जिंदगी को इंजॉय करें। अल्लाह पे छोड़ दें अपनी प्रॉब्लम्स को, वो खुद ही सॉल्व करेगा, हम इंजॉय करते हैं। खुदा हाफिज़। Thank you.